मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रही है वैसे वैसे ही खरीदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुंब्रा की सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन शानू पठान और ट्रैफिक विभाग दोनों के सहयोग से करीब 40 युवक और युवतियों की टीम बनाई गई, जो रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक अमृत नगर से शिमला पार्क तक ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ट्रैफिक जाम की समस्या कम हुई है। मुंब्रा गुलाब पार्क मार्केट में खरीदारी के लिए भिवंडी, उल्लासनगर, गोविंडी, अन्य जगहों से लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि जो यहां पर ट्रैफिक हो रही है। लेकिन शानू पठान की जो टीम बनाई गई है वो काफ़ी हद तक मुंब्रा शहर में ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है और जाम से लोगों को बड़ी राहत भी मिल रही है। शानू पठान और मर्जिया पठान ने क्या कुछ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है आपको सुना दें। चला मर्जिया जी, बताइए कि अभी रमजान का जो त्यौहार है और मुंब्रा की जो ट्रैफिक आप कंट्रोल कर रहे हैं, ये कितने लोगों की टीम बनाई और कैसे कर रहे हैं सब? ये जैसे कि आप सबको पता है कि हर साल रमज़ान में जो है यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो जाता है कि अमृत नगर से इधर आने तक के लिए एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाता है, बाइक पे भी लोग चल भी नहीं पाते, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हो पाया अशरफ शानू पठान के प्रयोग से, उनके विजन से, उनकी पूरी टीम जैसे कि मैं, साकिब भाई और मैशर अंकल, सारे जो लोग हैं सब, बहुत सारे लोगों की टीम है, लोगों ने वॉलंटियरिंग की अच्छे से, बहुत सारे ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ बहुत अच्छे से हुआ है और आप देख सकते हैं रिजल्ट उसका कि कितने अच्छे से, बहुत क्लीन तरीके से ये जो पट्टा है ये बहुत अच्छे से सुधर गया है। कितने लोगों की टीम बनाई गई आपने? कितने लोगों की टीम? 40 प्लस है और लेडीज को मिला के अलग है। जी बताया कि बहुत पैमाने में गाड़ी आ रही है मुंब्रा में बाहर से, तो उसके लिए पार्किंग क्या सुविधा की है? पिंटिया मैदान में और मित्तल में हम लोग ने फ्री पार्किंग रखा है, वहाँ पर भी वॉलंटियर्स प्रेजेंट है जो अच्छे से पार्किंग के लिए गाइड कर रहे हैं। जो भी बाहर की भी गाड़ी आ रही है, चाहे यहाँ की भी गाड़ी आए, फैमिलीज है उनके लिए हम लोग गाड़ी वहाँ पर पार्क करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसके पार्किंग के चार्जेस नहीं है। ये मुंब्रा में कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं खरीद? कल्याण से आते हैं, थाने से आते हैं, पनवेल से आते हैं, मुंबई से आते हैं, तलोजा से आते हैं, बहुत सारी जगह से आते हैं। अभी गुलाब पार्क मुंब्रा का मार्केट बहुत फेमस है, सब जगह से ऑलमोस्ट यहाँ पर लोग आते हैं। और अभी से नहीं, पिछले साल भी लॉकडाउन में हमने यही ऑब्जर्व किया था कि थाने के काफ़ी सारे लोग राबोड़ी के इधर ही आ रहे थे और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर काम भी कर रहे थे पिछले लॉकडाउन में। तो अभी जो कमेटी हमने बिठाई है वो कमेटी हम लोग अगले साल से और अच्छे से, पूरे फर्स्ट रमजान से हम लोग अगले साल से काम करेंगे इंशाल्लाह। आवाम को क्या आह्वान करोगे? देखिए, शहर हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी। जब रमज़ान में बाहर के लोग यहाँ पे आने लगे तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर का क्राउड बढ़ने लगा, गाड़ियों का यातायात, कहीं ना कहीं ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं से उनको भी हिम्मत वो हार रहे थे। हमारी जिम्मेदारी बनती थी, हमने राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से पूरी टीम ने, 40 जन की टीम ने शंकर मंदिर, अमृत नगर, दारुलफ्ला, कौसा, इन भागों में अपनी टीम को डिवाइड किया और लोगों को साइड से रखना, रॉकेट साइंस करना नहीं पड़ी। कुछ जगहों पे पार्किंग के लिए जो ओपन ग्राउंड है वहाँ पे लोगों को टू व्हीलर फोर व्हीलर की फ्री पार्किंग की सुविधा दी और लोगों को खाली साइड में रख के पार्किंग की साइड में करवाए, गाड़ी साइड में करवाए और बेवजह रास्ते पर ना चले, ऐसे कुछ पॉइंट को करके यहाँ पे अपने सामान, बच्चों पर ध्यान रखे, चोरी आपके सामान ना हो, क्योंकि कई चीज़ों यहाँ पे क्राउड ज़्यादा आता है वहाँ चोर भी आ जाते, तो उससे भी सावधानी के लिए एक महिलाओं की टीम मर्जिया ने करी है। लोग अपने अपने तरीके से काम करें, डॉक्टर जितेंद्र रावत जी के मार्गदर्शन में आज कम से कम लोग नागरिक ये बोल रहे कि पहली बार रमज़ान के अंदर आखिरी अशरफ जो हमारे 20वें रोजे से लेकर 1 तक की जो ज़्यादा क्राउड रहता है उसमें ये व्यवस्था देखने मिल रही है कि लोग 2 मिनट के अंदर रुक जा रहे। नहीं तो मुंब्रा कौसा का इतिहास है कि 40 मिनट्स कौसा से स्टेशन जाने लगते थे, जो जूना के नागरिक है, जो जूने नागरिक है जो मुंब्रा में रहते कई सालों से, उनका ये अनुभव है।